हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ विद्याग्री चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का वर्ड मीनिंग देखने जाने हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 का नाम है पोएट प्रोज का। ठीक है, तो इसका नाम है आपको अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, तो इसका जो पहला वर्ड है अवि विट WIT विट विट मीन्स बुद्धि। दूसरा है एडवेंचर ADVENTURE एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स साहस। तीसरा है वायर WIRE वायर, वायर मीन्स संदेश भेजना या कॉल लगाना। ठीक है, पहले के ज़माना में संदेश भेजने के लिए टेलीफोन टाइप का यूज़ किया जाता था, उसको वायर करना कहते थे। ठीक है, तो उसी वही वही वायर का यहाँ पर मतलब है। वायर मतलब तार भी होता है, लेकिन यहाँ पर तार का मतलब, वायर का मतलब तार नहीं है बल्कि संदेश भेजना है। चौथा है ड्रेप्स DREPES ड्रेप्स, ड्रेप्स मीन्स पर्दे। पांचवा है विस्पर, विस्पर्ड है ठीक ना, विस्पर का ही थर्ड फॉर्म है विस्पर्ड WHISPERED WHISPERED विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। ठीक है, टक छठा है टक TUC के, टक टक मीन्स सिकुड़ना। सातवा है अपोलोजिज 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 मीन्स क्षमा याचना करना, मीन्स इसका आपको स्पेलिंग हो जाएगा APOLOGIES अपोलोजीज, अपोलोजीज मीन्स क्षमा याचना। आठवां है मिंगल MINGLE मिंगल, मिंगल मीन्स मिलना मिलाना या मिल जाना। ठीक है, जब कोई लोग आपस में मिलते हैं तो उसको मिंगल करना कहते हैं। ठीक है, नौवां है फॉनिंग FAWNING फॉनिंग, फॉनिंग क्या फॉनिंग, फॉनिंग मीन्स चापलूस। ठीक है, उसके बाद दसवां है क्लक CLUCK क्लक, क्लक मीन्स कुरकुराना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस 10 वर्ड मीनिंग को कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए, ताकि जो आने वाले चैप्टर का रीडिंग है उसको आप समझ पाए। ठीक है, तो जय हिंद।